Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ questions जो आपके competitive exams like BCA, MCA Entrance Exams and other competitive exams में पूछे जाते हैं for C programming language. So I'll be covering 10 questions in this video. So let's start with the thing. एक question पूछा जा सकता है, which character is used to mark end of a string in C language? So C में जब string store होती हैं तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरेज. तो जब हम स्टोर करते हैं, लाइक आपने लिखा char A20, सो दैट मींस A इज नेम ऑफ द स्ट्रिंग और वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है. पर जब उसमें वैल्यू स्टोर होती है तो सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है कि स्ट्रिंग खत्म कहाँ पे हो रही है. सो विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज. सो आंसर फॉर दैट इज द ऑप्शन 3 विच इज नल वैल्यू. So string में अगर मैंने store किया है hello, so it will store h at position 0, then e at 1, l at 2, again l at 3, o at 4 and 5 पे आ जाएगा null, that says कि यहाँ पर string terminate हो रही है. So null is used to terminate the string. Okay, next question is, what is the return type of function strcpy a comma b, जहाँ पे b a में copy होता है, which copies a string to another. So string copy function आपका string.h में होता है and इसका purpose है एक string को दूसरी string में copy करना. तो जो second argument है हमारा, that is the source string, ये copy होती है destination string में. आपसे ये पूछा गया है कि इसका return type क्या होता है, किस type की value ये function return करता है, क्या ये एक character array या character pointer return करता है, void means कुछ भी return नहीं करता, int return करता है या इनमें से कुछ नहीं, कुछ और return करता है. So, इसका आंसर है void. String copy कुछ भी return नहीं करता. वो strings को copy कर देगा, but otherwise it does not return anything जो आप किसी variable में ले सको. So, return type of strcpy is void in this case. Okay, अब ये code है. इसका output बताना है आपको. ठीक है, इसका output बताएंगे हम. So, यहाँ पे pointer है ptr और एक a है 10. So, ptr में put कर दिया a का address. That means, अब ये जो pointer है ptr, वो रेफर करेगा ए को. यहाँ पे लिखा है स्टार पीटीआर प्लस इक्वल टू 1. जब पॉइंटर डिक्लेरेशन के बाद स्टार यूज होता है, उसका पर्पस होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. सो वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर शुड बी इंक्रीज बाय 1. वैल्यू एट पीटीआर मतलब ए जो कि 10 है, उसमें 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा और वो वापस वहीं पे ही स्टोर हो जाएगा. दैट मींस आप इनडायरेक्टली ए को इंक्रीज कर रहे हो. तो यहाँ पर a चेंज हो जाएगा मेमोरी में, इट विल बिकम 11. और फिर यहाँ जब प्रिंट कर रहे हैं तो स्टार ptr विल प्रिंट 11, a विल आल्सो प्रिंट 11. सो इसका जो आंसर है वो होगा 11, 11. सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि ptr और a दोनों सेम ही लोकेशन को रेफर कर रहे हैं. ptr में a का एड्रेस स्टोर है और a डायरेक्टली a को रेफर कर रहा था. ओके, देन व्हिच ऑफ दीज इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर. So, पहली बात तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर आप यूज कहाँ करते हो, जब हमारे पास स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते हैं और हमें डेटा मेंबर्स को यूज करना होता है, तो हम ये डॉट साइन यूज करते हैं जिसे मेंबर ऑफ ऑपरेटर कहते हैं. बट अगर स्ट्रक्चर का पॉइंटर है और आपको स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को यूज करना है तो हम ये एरो साइन यूज करते हैं, एंड दिस एरो साइन इज कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर. सो अगर आपके पास स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस एंड स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर एस है और आपको एलिमेंट्स को यूज करना है, तो आप डॉट नहीं लगाओगे, आप एरो यूज करोगे, एंड दैट एरो इज योर इनडायरेक्शन ऑपरेटर. ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन. इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स जिसमें 0 है, पीटीआर में डाल दिया एक्स का एड्रेस. अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार पीटीआर, सो यहाँ पे स्टार पी मिसप्रिंट है, इट शुड बी परसेंटेज डी, इट शुड नॉट बी परसेंटेज पी. सो इट्स मिसप्रिंट, जस्ट अज्यूम इट टू बी परसेंटेज डी. So if it's percentage d and we are printing the value of ptr, it prints as 0 here. ठीक है, x plus plus हो गया यहाँ पे, तो x की value increase होके 1 हो जाएगी. अब अगर मैं value को fetch करूँगी तो वो fetch तो star ptr से किसकी value को fetch करेगा, x की ही, तो वो print करेगा 1. तो इसमें जो हमारे पास result आएगा that should be 0 with a tab 1. So first option जो है इसकी, that would be the correct answer for the given code, assuming we have percentage d over here. Okay, if an integer pointer has address 500 and is increased by 4, what will be the address and pointer after increment? So, aapke paas ek integer pointer hai, jisme address hai 500. Aapne likha integer pointer is equal to pointer plus 4. To usme kya address hoga?
बिफोर वी गो टू दी ऑप्शंस, एक बेसिक रूल होता है पॉइंटर्स में कि जब भी हम उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उतनी मेमोरी लोकेशंस मूव करता है. इट डजंट मूव बाय दैट नंबर, इट मूव्स बाय द मेमोरी लोकेशंस. सो इफ आई एज्यूम कि एक इंटीजर 2 बाइट्स लेता है मेरे कंपाइलर में, क्योंकि कुछ कंपाइलर्स 4 बाइट्स भी लेते हैं इंटीजर के लिए. सो राइट नाउ इन द ट्रेडिशनल कंपाइलर्स इट टेक्स 2 बाइट्स, सो हम 2 बाइट्स के साथ ही जाएंगे. 2 बाइट्स लेता है तो 4 लोकेशंस मतलब 8 बाइट्स, तो आप 508 पे मूव कर जाओगे. तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा दैट शुड बी 508. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी पॉइंटर मूव होता है प्लस या माइनस से, इट मूव्स नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस अहेड या नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस बैकवर्ड्स. सो नंबर से मूव नहीं होगा, नंबर ऑफ लोकेशंस. अगर फ्लोट पॉइंटर होता तो हर लोकेशन के लिए 4 बाइट आगे जाता, अगर डबल होता तो हर लोकेशन के लिए 8 बाइट्स आगे जाता. सो इट गोज लाइक दैट. Which operator is used to give number of bytes required by a variable or a data type? That means, ऐसा कौन सा operator है C में जिसकी help से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई variable या कोई data type कितनी bytes लेता है memory में? So, instance of, size of, type of and count bytes. इनमें से कौन सी option सही है? तो size of जो है all small letters, size of in all small letters is the operator जिसके ब्रैकेट में हम किसी वेरिएबल का नाम या किसी डेटा टाइप का नाम लिख सकते हैं या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, और वो हमें बताएगा कि उस वैल्यू को मेमोरी में कितनी बाइट्स चाहिए होंगे. ठीक है, देन हाउ मेनी बाइट्स आर एलोकेटेड टू अ पॉइंटर. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर एलोकेटेड टू अ पॉइंटर. पॉइंटर को हमेशा 4 या 2 बाइट्स एलोकेट होती है. क्यों? क्योंकि पॉइंटर इज ऑलवेज एन अनसाइंड इंटीजर. सो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर, सो डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर इटसेल्फ इज ऑलवेज एन अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर करता है. जो डेटा टाइप हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए देते हैं जैसे फ्लोट स्टार पी या डबल स्टार पी इन स्टार पी, वो डेटा टाइप होता है उस वेरिएबल का जिसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होगा. लेकिन पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस ही स्टोर कर रहा है, तो एड्रेस हमेशा एक अनसाइंड इंटीजर होता है. So, इसका आंसर होगा इट विल ईदर टेक 2 और 4 बाइट्स. ठीक है, सो पॉइंटर आप किसी भी टाइप का लो, स्टोर तो एड्रेस ही होना है और एड्रेस हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है. ओके, देन दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे इंट ए इज 80, फ्लोट पॉइंटर पी लिया है, पी में पुट किया एड्रेस ऑफ ए एंड देन उसको चेंज कर दिया एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट. सो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट 80 ही रहेगा, 50 हो जाएगा, or you will get a compile time error or you will get a runtime error. So iska answer hai that you will get a compile time error. Why? Kyunki p mera floating point pointer hai aur main usme address put kar rahi hu integer ka, wo possible nahi hota hai. Jis type ka pointer hai usme usi type ke variable ka address store ho sakta hai, dusre type ka store nahi ho sakta. To a jo hai wo integer hai variable, to yahan par error aayega can't convert int star to float star. That means one integer address cannot be stored in a float pointer. So you will get a compile time error for this. Okay, the last question for this video is, which statement describes the relation between array and pointers? So we know array mein kya hota hai? We have multiple values stored under a single name. Hame pata hai ki wo contiguous mein store hoti hain. Name of the array holds the base address of the array. Arrays are always passed as reference to the function, all of the above. So iska answer hai name of the array holds the base address of the array. Kyunki pointer kya karta hai? Pointer also holds the address and array ka naam jo hai wo khud ek pointer hota hai array ke liye. So array name itself holds the address of the first element of the array. Base address ko hold karta hai wo. To uski help se aap pointer notation ki help se bhi pure array ko use kar sakte ho. So that's how your arrays and pointers are directly related, because the name of the array itself is a pointer to the array. So that's it for this video. I hope you understood ki questions ke jo answers hain wo waise kyun hain and uske piche kya logic hai. In case you still have any doubts, you can write that in the comments. And in case you have some doubts about any of the topics in any programming languages, abhi hum C kar rahe hain to specifically C, feel free to write in the comments. Aap comments mein likho aapko kis area mein doubts hai, aapko kis topic pe zyada explanation chahiye. So I will make a video on that and upload it so that aapko wo topic zyada acche se clear ho. And C ki complete series jo hai wo maine start ki hui hai, which is almost in the mid. So we have reached up to arrays in that.
सो पूरी सी की सीरीज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग इन सी डिटेल में कर रहे हैं. सो इफ यू हैवंट सीन दैट देयर वुड बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन चेक आउट दैट सीरीज. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द प्रोग्राम्स. थैंक यू.